Dear friends, welcome to Fairy Container Garden. My today's update is regarding my winter crops, winter veggies, and this is fenugreek, which requires a bit of cleaning so that when I pick the fenugreek, it does not have the weeds inside. और उस वीड्स को निकालने के लिए थोड़ा सा ज़रा ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि यूजली यही होता है कि हमारा साथ ही फेन्युग्रीक की स्टेम भी उतर जाती है. तो आप ये देख रहे हैं कि मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि मैं रूट्स से निकालूँ ताकि वीडिंग जो है वो प्रॉपर हो जाए, बट थोड़ा सा मुश्किल है. तो ये है जी हमारा फेन्युग्रीक, जो कि आज है 21 अक्टूबर 2024. और वेदर रात का तो इस्लामाबाद में ठंडा होना शुरू हो गया है, बट डे टाइम जो है वो अभी भी काफ़ी गर्म गर्म सा है. ऑल दो बहुत ज़्यादा तो नहीं, चेंजेस तो ज़ाहिर आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हुनकी है वो शाम के टाइम, रात के टाइम स्पेशली ज़रा बढ़ गई है. और थोड़ा ये है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो कि हमारे सर्दियों का खासा हैं, the most you know delicious salads are made during the summers, winter, sorry, this is what I believe. तो ऐसा है. अच्छा जी, ये देखिए मैंने इतना वीड किया है इसको, और स्टिल आप देख रहे हैं कि काफ़ी वीडिंग की ज़रूरत है. तो ये ज़रा लंबा काम है, और इसको मैं आराम से करती रहूँगी. और आज मैं थोड़ा सा फेन्युग्रीक पिक भी करूँगी अपने किचन के लिए. ठीक है, तो आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरा शलजम है, जो कि इस दफ़ा से सिर्फ फ्यू प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव किए, बिकॉज चेंज ऑफ वेदर था. और कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ लीव्स के लिए रखूँगी, मैं इसको अपरूट नहीं शायद करूँ. मैं इसको कोशिश करूँगी कि मैं इसको लीव्स के लिए, सैलड लीव्स के लिए, ये जो टेंडर लीव्स हैं इनको यूज़ करूँ. और दे आर रियली डिलिशियस, बहुत अच्छे हैं. ऑल दो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल रेडी है, तो आई माइट बी प्लांटिंग मोर. इधर एरिया है मेरे पास कि जहाँ पर मैं कर सकती हूँ. अच्छा जी, हम दूसरी तरफ आते हैं और आपको मैं अपना बॉक चॉय दिखाती हूँ. इस दफ़ा आई डोंट नो, मेरी जो सॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा आई थिंक वीड सीड है, जो कि बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि पालक है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारा वो है, सॉरी, रॉकेट के साथ वीड की अमाउंट जो है वो, मतलब दिस इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा वीड है. और ये इसको ख़त्म करने के लिए पूरा टाइम लग जाएगा, बैठ के करें इसको. तो बेसिकली तो मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए सॉइल के अंदर, और शायद मेरी ही गलती है कि मुझे इसको थोड़ा सा सॉइल को ट्रीट करना चाहिए था थोड़ा अरसा पहले, ताकि जो वीड ना निकले. तो रॉकेट जो अरूगुला है, इसकी जो इतनी पंजेंट सी स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, ये दूर से ही आपको मेस्मराइज करती है. और आई होप कि आपने टेस्ट किया होगा.